आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस के नैचटेक पे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, अगर आपने JKSSB क्लास फोर्थ के लिए अप्लाई किया है, जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले JKSSB ने एडमिट कार्ड के लिए एक लिंक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे लाइव किया था, लेकिन कुछ ही समय के बाद उस लिंक को उन्होंने अपनी साइट से हटा दिया, क्योंकि उस लिंक में जब भी बच्चे अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर रहे थे तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। बच्चों के जो फोटोग्राफ्स थे वो वहाँ पे चेंज हो चुके थे, सिग्नेचर चेंज थे, इन्फॉर्मेशन पूरी सही नहीं थी। इसलिए JKSSB ने उस इशू को फिक्स करने के लिए उस लिंक को कुछ समय के लिए वहाँ से हटाया है। जैसे ही वो लिंक अवेलेबल होगा मैं एक वीडियो के जरिए आपको बता दूंगा, लेकिन जब वो लिंक ऑन था तब मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कोई भी कैंडिडेट अपना जो एडमिट कार्ड है वो उसे डाउनलोड कर सकता था। उस लिंक में सबसे पहले जब आप उसको ओपन करेंगे तो उसमें आपको एक एप्लीकेशन नंबर चाहिए, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर में आपने टिक लगा के यहाँ पे शो करना है आई एम नॉट ए रोबोट और लॉगिन पे क्लिक करना है, तो आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो आप उसका प्रिंट भी ले सकते हैं और उसके साथ साथ आप अपने फ़ोन में उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। पर आपके द्वारा बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हों अपनी एप्लीकेशन नंबर भूल गए हैं, उनके पास अपनी जो जब उन्होंने अपना फॉर्म फिल किया था उसकी जो PDF है वो भी उनके पास नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप अपना एप्लीकेशन नंबर भूल गए हैं हम उसको फिर से कैसे रिकवर कर सकते हैं। JKSSB क्लास फोर्थ का एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर जाएगा तो जब उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तो उस समय आपको आपकी एप्लीकेशन की जो प्रिंट कॉपी है वो भी चाहिए। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में दिखाने वाला हूँ कि अगर हमारे पास हमारी एप्लीकेशन की जो PDF कॉपी है वो नहीं है, हम उसे फिर से रिकवर कैसे कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन को रिकवर कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप से किसी ब्राउज़र को ओपन करके उसकी सर्च बार में आपको एक URL टाइप करना है। मैं उस URL का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, साथ में मैं अपने टेलीग्राम चैनल SKN एजुटेक पे भी उस लिंक को शेयर कर दूंगा। आप इजीली उस लिंक को क्लिक करके सिंपली आप उस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं जहां से हम ये सारा प्रोसेस करेंगे। तो URL क्या रहेगा आप जहां पे देख सकते हैं, URL रहेगा ssbjk.org/investor/login। आपने इस URL को टाइप करना है सर्च बार में और सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे हमारे सामने नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगी जहाँ पे टॉप पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, उसके साथ कैंडिडेट लॉगिन। तो आप जहाँ पे नीचे देख सकते हैं लॉगिन टू अकाउंट, तो आप जो आपने क्लास फोर्थ का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय दी थी तो आपने वहाँ पे यहाँ पे एंटर करनी है। पासवर्ड जहाँ पे एंटर करेंगे उसके बाद नीचे बॉक्स में आपने जहाँ पे क्लिक करके शो करना है आई एम नॉट ए रोबोट। अगर आपके पास अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो उसके लिए जहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं जहाँ पे रिकवर पासवर्ड यूजिंग रजिस्टर्ड ईमेल, तो आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल को यहाँ पे एंटर करना होगा, आप अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं आपको डेमो के तौर पे समझा देता हूँ। मान लेते हैं हम अपना पासवर्ड भूल गए हैं, हम अपनी एप्लीकेशन को कैसे रिकवर कर सकते हैं, एप्लीकेशन नंबर को कैसे जान सकते हैं, आपने क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे हमारे सामने नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगी, आप जहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगी जहाँ पे सबसे पहले हमें पूछा जाएगा ईमेल, तो जहाँ पे आपने वही ईमेल एंटर करनी है जो आपने क्लास फोर्थ का फॉर्म सबमिट करते समय एंटर की थी। उसके बाद सिंपल हमने जहां पे आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे हमारी ईमेल के ऊपर JKSSB की तरफ से एक पासवर्ड सेंड किया जाएगा, हम उस पासवर्ड को नोट करके हमें सिंपली फिर लॉगिन करना है। चलिए मैं अपनी जहां पे ईमेल एंटर करके सबमिट पे क्लिक कर आप देख सकते हैं हमने अपनी ईमेल को ओपन कर लिया है और JKSSB की तरफ से हमें एक ईमेल आ चुकी है। आप जहां पे देख सकते हैं डियर सर ओब्लिक मैम योर पासवर्ड हैज़ बीन रीसेट, हेयर आर द न्यू क्रीडेंशियल्स। जो न्यू क्रीडेंशियल है हमारा जो न्यू पासवर्ड है वो JKSSB की तरफ से हमें जहाँ पे सेंड कर दिया गया है फॉर JKSSB, तो जहाँ पे नीचे दिया गया है प्लीज़ क्लिक हेयर टू लॉगिन योर अकाउंट। हम जहां से भी क्लिक हेयर पे क्लिक करके अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। हमारा जो पासवर्ड है हमें नोट कर लेना जहां से, और नीचे आप जहां पे देख सकते हैं ssbjk.org.in की तरफ से ईमेल आ गया है। इसी तरह आप अगर इस प्रोसेस को अपनाएंगे तो आपको आपका पासवर्ड जहाँ से रिकवर हो जाएगा। अब हमें अपनी ईमेल की जगह अपनी ईमेल को एंटर करना है और पासवर्ड की जगह आपने इसी पासवर्ड को अब एंटर करना है। चलिए अब हम देख सकते हैं हम फिर से मेन साइट पे आ चुके हैं, हमने अपनी ईमेल एंटर कर दी है। JKSSB के द्वारा जो पासवर्ड हमें दिया गया है वो हमने पासवर्ड की जगह एंटर कर दिया है, बॉक्स में हमने टिक कर दिया है आई एम नॉट ए रोबोट, और उसके बाद आपने लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। चलिए अब हम लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने नेक्स्ट टैब
ओपन हो जाएगी। आप जहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने नेक्स्ट टैब ओपन हो चुकी है और जहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 03/2020 जो कि मैंने इसके लिए भी एक फॉर्म हमारे स्टूडेंट ने फिल किया हुआ है। उसके बाद आप जहाँ पे जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको नीचे जहाँ पे एक ऑप्शन सीरियल नंबर एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन 01/2020 जहाँ पे आप देख सकते हैं जॉब नेम एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अपॉइंटमेंट क्लास 4th जहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जहाँ पे बताई गई है एप्लीकेशन एंड डेट और एक्शन जहाँ पे डाउनलोड फॉर्म के लिए हमें बोला जा रहा है। अगर हम डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो फॉर्म होगा आप देख सकते हैं हमारे सामने नेक्स्ट टैब ओपन हो चुकी है तो जहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी। आप जहाँ पे देख सकते हैं जैसे हमने डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक किया तो हमारे सामने जो क्लास 4th का ही जो एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट जो हमारे पास लेटर होगा आप जहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अपॉइंटमेंट टू क्लास 4th पर्सनल डिटेल कॉरस्पॉन्डिंग डिटेल सारी जहाँ पे दी गई है डाउनलोड अप्लाइड एप्लीकेशन फॉर्म तो जहाँ पे आप अपनी फ़ी की रिसिप्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसके साथ साथ नीचे यहाँ पे दिया गया है डाउनलोड अप्लाइड एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जितना भी फॉर्म आपने फिल किया था क्लास 4th के लिए वो डाउनलोड हो जाएगा। उसमें आप अपनी एप्लीकेशन नंबर हर चीज़ को देख सकते हैं। चलिए अगर हम डाउनलोड अप्लाइड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद इसकी एक PDF जो होगी वो हमारे फ़ोन में डाउनलोड होने के लिए आ जाएगी जहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अब हम डाउनलोड पे क्लिक कर लेंगे। जैसे हम सकते हैं जैसे ही हमने डाउनलोड पे क्लिक किया हमारे जो फॉर्म की PDF थी वो डाउनलोड हो गई है। आप अपना फोटोग्राफ चेक कर सकते हैं अपनी पूरा एड्रेस इसमें पूरी डिटेल आपको दी गई होगी। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल रही होगी। इस तरीके से हम क्लास 4th का जो एप्लीकेशन नंबर है उसे रिकवर कर सकते हैं उसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बावजूद भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं मैं डेफिनेटली आपके इसके ऊपर हेल्प करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में।